जय श्री गणेश आय नमः दोस्तों। पर मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे हम आपके आज के पंचांग की, उसके बाद राशिफल की, और वीडियो के एंड में देंगे आज आपको एक महा उपाय नेगेटिविटी दूर करने का, यानी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास से दूर करने का। लेकिन पहले डाल लेते हैं एक नजर आज के पंचांग। ये तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है, अब बारी आपके राशिफल की। शुरुआत करेंगे पहली राशि के साथ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बात कर लेते हैं आपके आज के दिन के पूरे हाल की। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। कुछ चीजों में आज के दिन आपको संयम रखने की जरूरत है, और वो है आपका पर्सनल लाइफ। वहां थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, भाग्य साथ देगा, साथ ही साथ किसी को मन ही मन जो सिंगल लोग हैं चाहेंगे और कोशिश करेंगे अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाने की। आज के दिन सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत है। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि आप जो है एक इलायची खाकर दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए आज है रेड, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि, आज के दिन बड़बोलापन दिखाने से बचना है, काम चोरी से बचना है, साथ ही साथ आज के दिन दूसरों को हर्ट करने से भी बचना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए गलत हो सकती हैं। सेहत में अच्छे बदलाव हैं, धन कहीं फंसा हुआ था वापस मिल जाएगा। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन घर में कपूर जरूर जलाएं। लकी कलर आपके लिए, और ये शाम के समय करना, मैं आपको बता दूं, लकी कलर आपके लिए आज है येलो, लकी नंबर की बात करूं वो है 1, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कुछ चीजों में आपको जो है दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें कहाँ आने वाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी, तो थोड़ा संभलना होगा। बाकी स्टूडेंट्स को आज के दिन अच्छा लाभ मिलेगा, मन मजबूत है, आपके मन पे आपका कंट्रोल रहेगा, काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, पार्टनर पे कोई भी ब्लेम करने से बचना है, और साथ ही आपको जो है आज के दिन किसी भी यात्रा पर जाने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपने कुल देवी का आशीर्वाद या कुल देवता का आशीर्वाद आपको लेकर जाना है। आपके लिए महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। आपके लिए लकी कलर आज है ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं है 2, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। कर्क राशि, भावनाओं पे थोड़ा सा आज नियंत्रण रखने की जरूरत है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस डील करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, साथ ही साथ कोई डिसीजन अपने आप करियर से जुड़ा हुआ ले रहे हैं वहां भी आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना है। आज के दिन एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है आपकी घर की महिलाएं, उनकी सेहत बिगड़ सकते हैं, उनका ध्यान दीजिए। बाकी ओवरऑल अगर कर्क राशि वालों की सेहत की बात करती हूँ तो आपको आज के दिन खान पान से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, मौसमी मार पड़ सकती है, मेरी तरह गला भी खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी आज का महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। लकी कलर आपके लिए येलो है, लकी नंबर की बात करूं है 5, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि, सेहत में अच्छे बदलाव हैं। जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि आज के दिन कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, आपके खिलाफ बातें बना सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। मैरिड लाइफ में आज के दिन जो है कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, और ये दिक्कतें आपके इन-लॉज की तरफ से आएंगी, उनकी तरफ से कोई बुरी खबर या उनके घर की परेशानियां आज आपके जीवन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। प्रेम जीवन में, लव लाइफ में है तो जल्दबाजी करने से बचना है, पार्टनर पे कोई भी अपनी सोच को थोपने से बचना है, साथ ही साथ उनकी उनको स्पेस देने की जरूरत है आज। एक और बात गृहिणियों के लिए खास तौर पे जो मैं कहना चाहूंगी कि आज आपको कोशिश करनी है कि किसी से भी बहसबाजी में ना फंसे, नहीं तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि लोग आज आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। महा उपाय जान लेते हैं, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन पीली दाल का दान करें किसी धार्मिक जगह पे, किसी जरूरतमंद को। आपके लिए लकी कलर ऑरेंज है, लकी नंबर की बात करूं है 1, और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव है। सारी चीजें जो आप प्लान करेंगे उसी अकॉर्डिंग चलेंगी, कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। फैमिली में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, साथ ही साथ आज के दिन जो है मैरिड लोग या जो लवर्स हैं अपने पार्टनर के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बदलते मौसम की मार पड़ सकती है, कुछ लोगों को बॉडी के राइट साइड में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। महा उपाय क्या है, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। लकी कलर आपके लिए आज है
रेड लकी नंबर की बात करूं है टू और भाग्य स्टार के तौर पर, मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है, मिला जुला रहेगा, कर्मों पर ही भरोसा रखना है, पीठ पीछे किसी की बातें नहीं करनी है, धैर्य की जरूरत पड़ेगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, दिन के उत्तरार्ध में यानी सेकेंड हाफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसमें किसी तीसरे की सहभागिता यानी किसी तीसरे की हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है और ये जरूरी भी है। आज कोई भी डिसीजन आपके पास अगर आता है, खुद के आप खुद से अच्छा डिसीजन लेते हैं लेकिन किसी ऐसे इंसान से जरूर बात करें जिन पर आपको ट्रस्ट है। हेल्थ की बात कर लेते हैं, घुटनों से जुड़ी, कमर से जुड़ी, कंधे से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज कोशिश करें कि पक्षियों को दाना खिलाएं। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा, काम से रिलेटेड आपको यात्रा के योग बन रहे हैं लेकिन जरूरी सामान का ध्यान रखिएगा, खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की चांसेस ज्यादा है। साथ ही साथ आज के दिन अपने पिता की बात का आपको कोई उनकी बात कही गई बात का बुरा लगेगा, यानी पिता से आज आपकी जो इक्वेशन है, रिलेशन है, उतना ठीक नहीं रहने वाला है। कोशिश करें धैर्य रखने की, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताते हैं। हमेशा जो है आप ये सोचिएगा जब भी वो कोई बात कहें और आपको पसंद ना है तो सोचिए कि आप दोनों दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं लेकिन उनके पास आपसे अनुभव ज्यादा है। समय बदल जाने से अनुभव जो है किसी का खत्म नहीं हो जाता, तो वो अपने अनुभव से आपको समझाते हैं। तो पिता की बात पर ध्यान दीजिए, इरिटेट होने से बचिए। बाकी आज के दिन सेहत के लिहाज से आपका अच्छा है, स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव आएंगे, पैसा कहीं फंसा था वो निकल जाएगा, बैंक से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज के दिन, गुरु बड़े घर के बड़ों का या गुरु का आशीर्वाद लीजिए। लकी कलर आपके लिए आज व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। धनुराशि वालों के लिए काम में फुर्ती दिखाई देगी, यानी आप बहुत तेजी से काम करेंगे, चीजें प्लान्ड होंगी। पारिवारिक जीवन में आज के दिन आप किसी की लाइफ में, अपने परिवार वाले या अपने पार्टनर की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनके डिसीजन में आपको जो है इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका। साथ ही साथ आज के दिन सेहत से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, गले या फिर कमर से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ सकती हैं, पैसे की बात की जाए तो कोई बेवकूफ बना के पैसा खर्चा करवा सकता है। महा उपाय जान लेते हैं, तो आज के दिन को खास बनाना चाहते हैं तो हल्दी का या फिर पीले चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं। लकी कलर आपके लिए येलो है, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेसमैन लोगों के नई डील होने की संभावना है, मैरिड लोग आज पति या पत्नी एक दूसरे में आपस में बहस कर सकते हैं, दिन आपका आज उतना अच्छा नहीं रहेगा, पारिवारिक जीवन, बच्चे हैं, बच्चे की टेंशन भी आपको सताती रहेगी। लव लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन पार्टनर से ज्यादा दिलचस्पी आप किसी और में दिखाने वाले हैं जो कि गलत है, ध्यान दे दीजिएगा, आने वाला समय आपके लिए इससे दिक्कत लेकर आ सकता है। धन के लिहाज से देखा जाए तो आज के दिन कोई आपसे, कोई रिलेटिव या कोई करीबी आपसे पैसे मांग सकता है। महा उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आज के दिन जो है आप पीले रंग की चीज किसी धार्मिक जगह पर दान करें। लकी कलर आपके लिए आज है येलो, लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन आपका रोल जो होगा वो ऑफिस में या बिजनेस में बहुत ही ज्यादा होगा। कुछ लोग आज आपसे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सजेशन भी लेने आ सकते हैं, तो ध्यान से किसी को भी सजेस्ट कीजिएगा क्योंकि आपकी बातें उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगी, तो इसीलिए आप थोड़ा अच्छे से सोच समझ के किसी को सजेशन दीजिएगा। बाकी आज के दिन कानूनी दस्तावेज या फिर कानूनी जो है पछड़ों में आप फंस सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ भी फैमिली लाइफ स्मूथ चलने वाली है। स्टूडेंट्स आज के दिन के सेकेंड हाफ में कहीं यात्रा करने वाले हैं और यात्रा आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगी। गृहिणियों को आज के दिन बोली का ध्यान देना है, आपके लिए सेहत के लिहाज से दिन ठीक। आज के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाए। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है, साथी से प्यार मिलेगा, काम में भी फुर्ती आएगी, नए बिजनेस डील होने की संभावना है। आज के दिन अपनी बातें किसी से भी शेयर करने से बचना है। महा उपाय दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि आप जो है अपनी माता के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए आज है वाइट, लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।
अब आपको बता देती हूँ जाते जाते कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है तो करें क्या, एक कांच के बर्तन में आप नमक रखें और उसे अपने घर के किसी भी एक कोने में रख दीजिए और इसे आपको हर हफ्ते बदलना है। ये आप संडे के दिन रखिए और हर संडे आप कोशिश करें कि इस नमक को बदलें या फिर 15 डेज में एक बार उस नमक को बदल दें। ऐसा आप करते हैं अगर तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा या ऊपर से जो भी जादू टोना या उसी ने अगर कुछ करा कराया है वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही मैं आपको जाने से पहले, हमारे एक व्यूअर है आकाश जी, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि किस समय हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, यानी जब सूरज निकलता है, लालिमा छाई हुई होती है, तो वो आधे घंटे आप सूर्य को जल दीजिए, वो सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा है और अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप सूर्योदय के समय ही कोशिश करें सूर्य को जल देने की। फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ कल शाम 5 बजे धर्मा लाइव पर आपके साथ जो है कुछ नई जानकारियां लेकर। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।